उनका साथ रहूंगा, फिर शाम को एक बार सराय किला में भी जाने का प्रयास करूंगा। आज एक बयान आया है वही के विधायक कांग्रेस पैसे लेकर, देखिए ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था, 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है, तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है, मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ। आप पप्पू यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं, और यहाँ पप्पू यादव मैं गुंडा हूँ। हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है। विपक्ष लगातार परहेट को लेकर आरोप लगा रहा है कि परहेट में भाजपा को कैंडिडेट मिल जाएगा, कुछ स्ट्रेटेजी होते हैं। जैसे विपक्ष ने जामा में कैंडिडेट नहीं दिया है, विपक्ष ने भी तो अभी तक सरायकेला में कैंडिडेट नहीं दिया है, काल हुआ, काल ही तो हुआ है, हमारा भी हो जाएगा। और आप थोड़ा खबर के लिए, हमारा कैंडिडेट काम कर ही रहा है, कोई मतलब ये नहीं है, हमें तुल्ली और बरहट एक साथ दे दूंगा। बरहट एक्चुअली बरहट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कन्फर्म है। तुंडी के लिए थोड़ा सा अश्रू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है, आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो तुंडी के लिए बरहट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। इंडिया गठबंधन में जो भी है सीटों को लेकर तो सबको एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट हुई है, फाइट किए। देखिए पहले वो लोग बोलते थे बीजेपी में वो सला गया वो सला गया, लेकिन दो दिन में ही तो हकीकत आपका सामने आ गया। हमारा गठबंधन तो पक्का है ना, हमारा यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कोई लोग जाने का बात था वो भी मन गया है, हमारा तो ठीक ठाक रहेगा। सुनाओ उज्ज्वल का समय तक आप देखिएगा कि हमारा पार्ट एनडीए बहुत ही स्ट्रांग होके उभरेगा, और हम लोग का पूरा समर्थन है, वार्तालाप भी चल रहा है, और हम लोग अच्छा से चुनाव लड़ा। ठीक, थैंक यू। Come on, come on, come on.
समाचार है नेता और एनडीए गठबंधन उम्मीदवार है में जो एक साथ आने का सौभाग्य हुआ एनडीए गठबंधन सारे पार्टियों को सामना देता और विश्वास है इस बार सिंधी विधानसभा सीट से सुदेश महातोर एक रिकॉर्ड का साथ जीतेगा ये मेरा विश्वास है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घटना बरसात की बात भी हजारों लोग सुदेश जी का साथ आए नामांकन दाखिल किया। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप उनके ही विधायक ने लगाया है। देखिए 2 करोड़ रुपए नहीं देने के कारण उनका देखिए वे भी एक समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है 20 सीटों दिखता है ये उनका पुराना परंपरा है। अकेला जी ने जो आज बताया मेरे लिए ये कोई नया बात नहीं है। हर स्टेट में हम लोग देखता हूँ कांग्रेस 20% टिकट दिखता है। सर गुलाम अहमद मीर पर ये आरोप लगा मेरा लगता है कि मीर साहब को व्यक्तिगत आरोप लगा के कोई फायदा नहीं है। ये कांग्रेस का सिस्टम है कि वो लोग 20% टिकट सेल करते हैं। रांची में कई बागी रहने वाला देखिए बागी वाला बात ऐसा है कि बहुत लोगों को चुनाव लड़ने का तमन्ना होता है लगता है लेकिन लास्ट डेट का उज्ज्वल भी होता है। बहुत सारे लोगों को मनाए दिया जाते हैं लेकिन आप लोग अगर हमारा गठबंधन का और देखे हमारा कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं है। एक सीट में एक ही उम्मीदवार है लेकिन आप लोग अगर हिंदी गठबंधन का और देखे तो कोई सीट में ही वो लोगों का 2 उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है। हमारा सिस्टम है सिस्टम काम करते रहते हैं। इस बार क्या संभावना है आसाम से आके यहाँ रास्ता रास्ता बंद करके घूम रहे हैं। हेलो और ये क्या है आपको मैं चीज बर्गर आपको ये भी 2 पैकेट ले लो यार भाई तुम पंद्रह नहीं खींच रहेगा तो कुछ कुकीज ले लीजिए वो अभी आया था दिवाली का लेकर कौन सा ये वाला कुकीज भाई साहब ये क्या होते हैं अच्छा पिज्जा का सर देखिए अभी दिवाली का लेकर के स्पेशल ऑफर आया है वो भी टीम आपको 6 जगह का आपको मैं ऑफिस में ले जाऊंगा बाद में अभी ये बिस्किट एक जोर दे दे दो हाँ 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 ह
गाड़ी को रुकवा दो, गाड़ी में बैठे आपकी क्या कहना है, क्या थोड़ा सा राशि का जो बेस पैकेज है उनका थोड़ा सा स्वाद लिया, कैसा लगा? अच्छा है, बहुत बढ़िया, लोग भी प्यारे हैं, खाना भी प्यारा है। क्या लग रहा है इस बार जीतेगा? उसमें क्या लगने का क्या सब कुछ बहुत पता है। बुला रहे हो गया था।